और इसी के बीच में हमारे बड़े भरताश्रीमान गुरुदेव भैया जी की माता जी गुरुदेव तो कहते हैं आपकी माता जी तो है श्रीमान हमारे गुरुदेव भैया जी की माता जी बेटी को लौकिक प्यार भरा पुरस्कार 101 रुपए भेंट कर रही हैं। प्रार्थना करेंगे मेरी मैया का आशीर्वाद मेरे सर पर बना रहे जिससे बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। मेरी मैया को अंत समय वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। 84 लाख योनिष्ठ मुक्त हो। ठाकुर चढ़ रज में लगा व्यास भी से प्रभु श्री प्रार्थना है। आज हम वेदन में सुने आई बोले क्या बाप की बहन बहुआ बेटा की सासु लगती हो जाई बहू बेटा की सास लगे भौजाई। कौन है परीक्षित महाराज? कौन है मतलब अभी कथा सुन के गए आपको ये नहीं मालूम पड़ पाया कौन है? सीता जी और दशरथ जी। कौन है? सीता जी। सीता जी भी जमीन से थी, दशरथ जी भी जमीन से थे ना, तो भैया बहन हुए, भैया बहन हुए। बाप की बहन कौन? सीता। बहू बेटा की राम की बहू। सास लगे भौजाई। कौशल्या भौजाई लग रही है सीता की। ए आज हम सती जग में भई ऐसी लो ससुर को गोद खिलाई। कौन है? अरे अनुसुईया। कौन है? अनुसुईया। और 6 महीना को लला पेट में बाप से करे लड़ाई। कौन है? नहीं मालूम। अष्टावक्र जी। कौन है? अष्टावक्र के पिता का नाम है कौर मुनि, माता का नाम है सुजाता।
जब सुजाता के पेट में अष्टावक्र जी 6 महीने के थे, पेट में 6 महीने के थे, तो कौड़ मुनि सुजाता को बिठा करके यज्ञ कर रहे थे, खुद मंत्र बोल रहे थे, खुद आहुति लगा रहे थे, लेकिन उनसे जो मंत्र बोल रहे थे वो उनसे श्लोक गलत हो रहा था, मतलब अशुद्ध बोल रहे थे, और अशुद्ध श्लोक बोलने से बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। तो अष्टावक्र जब 6 महीना के पेट मैया के पेट में थे तो अष्टावक्र पेट में से ही चिल्लाने लगे, पिताजी अशुद्ध श्लोक मत बोलिए, अगर बोलना नहीं आता तो बोलिए मत, मौन होकर आहुतियां दीजिए, अशुद्ध मंत्र मत बोलिए। एक बार नहीं, उस बालक ने अपने पिता को 8 बार टोका, कितने बार? 8 बार। तो कौड़ मुनि ने कहा वाह, अभी तो पेट से वार भी नहीं आया है, पेट में से ही हमसे मोजोरी कर रहा है, एक बार तो एक बार 8 बार टोक चुका तू मुझे, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू 8 जगह से टेढ़ा ही पैदा होगा। अष्टमी होता है 8, वक्रमी होता है टेढ़ा, तभी तो अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े पैदा हुए थे, 8 जगह से टेढ़े थे। सुनिएगा, एक सती